हाय एवरीवन, आप सभी की स्वागत है एक और नई वीडियो में न्यू एक जानकारी के साथ। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2014 की अंदर या 2014 की पहले भी पीएफ मेंबर्स काम किए थे, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन या डिजिटल की प्रोसेस नहीं हुआ करता था। उस टाइम ऑफलाइन पीएफ विड्रॉल या केवाईसी करना होता था। तो आप में से काफ़ी पीएफ मेंबर्स की कॉमेंट आ रहा है, इस वीडियो के लिए आप सभी का भी काफ़ी रिक्वायरमेंट था कि 2014 से पहले जो भी पीएफ मेंबर्स काम किए हैं उन अपना पीएफ को किस तरीके से विड्रॉल करें, अपना यूएन नंबर किस तरीके से जनरेट करें या उनको यूएन नंबर किस तरीके से मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारी मेहनत की फल होता है। आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको पीएफ यूएन रिलेटेड हेल्पफुल नॉलेज वीडियो प्रोवाइड करने में हमें खुशी मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पीएफ यूएन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी टेक्निकल मिथुन इंडिया स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, साथ में प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि जो भी पीएफ मेंबर्स 2014 से पहले या 2014 के अंदर काम किया है तो उनको जो है यूएन नंबर नहीं मिलता था, उनको सिर्फ पीएफ नंबर मिलता था। और उनको जो सैलरी स्लिप होता है, सैलरी स्लिप पर भी यूएन नंबर नहीं होता था। उस टाइम यूएन नंबर नहीं हुआ करता था, ओनली पीएफ नंबर मिलता था। और पीएफ नंबर से ही अपना जो है पीएफ बैलेंस को चेक कर सकते थे ऑनलाइन। 2014 की बात शुरुआत हुई है ऑनलाइन केवाईसी करना, ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल करना। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि 2014 की पहले आपने अगर काम किया या 2014 का आपका पीएफ है तो आप अगर अभी तक कर रहे हो काम तो आप अपना इम्प्लॉयर से यूएन नंबर मांग सकते हैं। अगर आपका इम्प्लॉयर ने यूएन नंबर क्रिएट किया है तो आपको यूएन नंबर मिल जाएगा। अभी आप काम नहीं कर रहे हो, काम छोड़ दिए हो, अभी किसी और कंपनी में काम कर रहे हो तो 2014 में जो कंपनी में काम किए हो आप उसका यूएन नंबर नहीं मिलेगा। आप फिलहाल जो कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का ही यूएन नंबर आपको मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर यह आता है कि 2014 का पीएफ या 2014 का पहले का पीएफ हम किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए आपको फिजिकल आपको अपना पेपर को सबमिट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 19 एंड 10C का जो फॉर्म होता है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर आपको मिल जाएगा। जिस दुकान पर बुक किताबें बिकते हैं उस दुकान पर आपको पीएफ का फॉर्म मिल जाएगा। आपको ऑफलाइन फिल करना है। फिल करने के बाद जिस कंपनी में आप काम करते थे उस कंपनी का जो ओनर होता है उनका सिग्नेचर और स्टैम्प करना है, और साथ में आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, साथ में आपका बैंक का जो पासबुक है, पासबुक या आपकी चेकबुक, अगर चेकबुक होगा तो आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए आपका चेकबुक में। अगर आप अपना पासबुक को अटैच करते हैं तो आपका पासबुक पर आपका एक फ़ोटो और बैंक की स्टैम्प साइन सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद आपको जाकर जो पीएफ ऑफिस में आपका पीएफ जमा करते थे आपका इम्प्लॉयर, उस पीएफ ऑफिस में जाकर के आपको ऑफलाइन सबमिट करना है पेपर। पेपर सबमिट करने का 20 से 25 दिन बाद आपकी बैंक अकाउंट में पीएफ बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। 2014 का पहले जो पीएफ मेंबर्स कंपनी में काम किए हैं तो उनके लिए ये प्रोसेस है। आपको ऑफलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा पेपर, क्योंकि 2014 से पहले यूएन नंबर नहीं मिलते थे तो आप ऑनलाइन इसके लिए आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा तो केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो पीएफ का बैलेंस किस तरीके से विड्रॉल होगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको कन्फ्यूज ना रहे, आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ऑफलाइन कोई फॉर्म फिल करोगे तो ईपीएफ अधिकारी को ये पता चल जाएगा कि ये 2014 का या 2014 से पहले ये पीएफ है। तो उस टाइम ऑनलाइन केवाईसी नहीं होते थे, उस टाइम ऑफलाइन ही होते थे। तो पीएफ अधिकारी को पता चल जाएंगे कि ये पुराना पीएफ है। तो उस टाइम केवाईसी वगैरह नहीं होते थे, उस टाइम जब कंपनी वाले का सिग्नेचर और स्टैम्प देखने के बाद ही पीएफ अधिकारी को पता चल जाते थे कि ये वेरीफाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो व्यक्ति है जेन्युइन व्यक्ति है। तो उस टाइम इस तरीके से पीएफ विड्रॉल हुआ करते थे। तो 2014 के पहले जो भी पीएफ मेंबर्स का पीएफ बैलेंस फंसा हुआ है तो आपको इस तरीके से पीएफ बैलेंस को विड्रॉल करना पड़ेगा ऑनलाइन। आपके लिए कोई प्रोसेस नहीं है या कोई तरीका नहीं है। तो आप में से काफ़ी पीएफ मेंबर्स का कमेंट आ रहा था इसके लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दिया हूँ। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं और जल्द से जल्द मैं रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तब के लिए बाय बाय।